इतनी मेहनत से मैंने ये चिट्ठी लिखी कि निशे को देख ही नहीं रहा। इससे पहले की बहुत देर हो जाए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इस चिट्ठी को ऐसी जगह रखना होगा जहां से ये सबको दिखे। आपके पल्लू में ये कागज का टुकड़ा कैसा? ये मोटी बहन, ये तो मैंने दामाद जी के लिए कान्हा जी के नाम चिट्ठी लिखी है। इसे मंदिर में रखकर मैं महामृत्युंजय का जाप करूंगी। कहते हैं ना, आपकी कोई भी इच्छा हो अगर उससे चिट्ठी में लिखकर मंदिर में रख दो और जाप करो तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। मुझे अपने मोदी परिवार पे बहुत नाज है ना गोपी। अब देखना, तेरे सुखी संसार को कोई नहीं बचा पाएगा। तेरी प्यारी महान माँ जी भी नहीं। अब समय आ गया है ये चिट्ठी सबके सामने आ जानी चाहिए। अब तो ये किसी ना किसी के हाथ लगे जाएगी। हाँ बोलो। हाँ जिगर, जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत फोन करो। हाँ जय श्री कृष्ण। मीठी जी। मोटा भाभी, तुमने ऊपर के कमरों की सफाई तो कर दी है, हॉल की सफाई बाकी है, कर दे। जी। तेरी हो गया बेड़ा गर्क। अब तो ये चिट्ठी कभी किसी के हाथ नहीं लगेगी। एक मिनट। इतना कोरा कागज शायद काम का होगा। मीठी दिख रहा, जरा मेरे चश्मे ला दे। अब होगा धमाका। गोपी, कोकिला, सब लोग जल्दी यहां आइए। मोटी बहन क्या हुआ? ये देखो। किंजल, ये सब क्या है वेवान जी? यूं घर और उसकी जिम्मेदारियों को अधूरा छोड़कर जाना तो बुजदली है, और किसी से उसको कहने की हिम्मत नहीं हुई तो ये चिट्ठी लिख के छोड़ गया। इस चिट्ठी से तो यही लगता है कि वो जरूर जरूर आत्महत्या करने गया होगा। मधुबन,
हाँ वेवान जी, आपका परिवार, आपका मोदी खानदान, जिसके आगे कोई नाम नहीं टिकता ना, बड़ा महान मानती हैं आप अपने मोदी खानदान को, आज सारी सच्चाई सामने आ ही गई। मधु वेवान, आपके बेटे ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है ना, तो फिर आज क्यों डर के दुबक कर भाग गया और सारी परेशानियां छोड़ गया मेरी गोपी के लिए? अरे आज तक कितना सहा है उसने और कितना सहेगी गोपी? अब बहुत बोल चुकी, अब एक शब्द और इतनी ऊंची आवाज में बात करने का आपको कोई हक नहीं है मेरे माँ जी के साथ। माँ प्लीज प्लीज अब चुप हो जाए, मेरे अहम जी और माँ जी के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। तू मुझे रोकेगी? मैं तेरी माँ हूँ गोपी, तुझे ऐसे पल पल जलता देखकर मुझसे रहा नहीं जाता, इसीलिए मुझे जो समझ में आया वो मैंने कह दिया। पर आपको ये क्यों नहीं समझ में आता है माँ कि जैसे आप मेरी माँ है, ठीक वो भी एक माँ ही है। एक बार आप खुद को उनकी जगह पर रख कर देखिए, तब आपको महसूस होगा कि उन पर क्या बीत रही होगी। और रही बात अहम जी की, माँ प्लीज आप उनके बारे में कुछ बोलिए ही मत, क्योंकि अब मैंने मेरे अहम जी को कान्हा जी पर सौंप दिया है। अहम जी की जिम्मेदारी आप मेरे कान्हा जी की है। बस आज जुड़ती हूँ मैं, थोड़ी देर धैर्य धरिए। कान्हा जी खुद मेरे अहम जी को यहाँ घर में वापस लेकर आएंगे। गोपी, उसने कल जो भी कहा तूने सुना ना, कि वो तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। चिट्ठी लिख कर गया है, देख। गोपी, उसे तेरी चिंता होती ना तो वो तुझे छोड़ के नहीं जाता। माँ, अहम जी गुस्से में एक क्या ऐसे हजार चिट्ठियां भी लिख कर जाएंगे ना कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। जानती है क्यों? क्योंकि मैं अपने अहम जी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो भले ही हजार बार कहे वो मुझसे प्यार नहीं करते, पर मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरे अहम जी मेरे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और मुझे मेरे राम और कान्हा जी दोनों पर ही बहुत भरोसा है, इसीलिए मां जब तक अहम जी घर वापस नहीं लौट आते हैं तब तक मैं इसी तरह कान्हा जी के सामने मंदिर में बैठी रहूंगी। और आपसे एक विनती है मां, अहम जी और माँ जी के खिलाफ कुछ मत कही। दिख रहा तेरा ये इंतजार कभी पूरा नहीं होगा,
सब मत कहिए माँ, मेरे कान्हा जी उन्हें घर वापस लेकर आएंगे। गोपी क्या हो गया है तुझे? कब तक अपने आप को सजा देती रहेगी? ठीकरा कब तक यहाँ बैठी रहेगी? उठ ठीकरा, उठ यहाँ से। कर्मान्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फल हेतुर्भूर्मा ते संगोष्ठव कर्मणि। माँ कान्हा जी भी उनकी ही मदद करते हैं जो हाथ पर हाथ बैठे नहीं रहे, बल्कि अपना कर्म करते हैं। और अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना। कान्हा जी ने मुझे रास्ता दिखा दिया है माँ। अपने पति को ढूंढ के घर वापस लाना मेरा कर्म है, जिसे मैं पूरा करके ही रहूंगी। गोपी बाऊ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अहम को ढूंढने के लिए मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। विवान जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको गोपी की हालत दिखाई नहीं दे रही जो इसे बाहर भटकने के लिए भेज रही है? और इसके मुंह में दो दिन से एक निवाला तक नहीं गया है, आपको इसकी जरा भी चिंता नहीं है क्या? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है मधुबेन, आप माँ होकर गोपी वो को अभी तक जान नहीं पाई। गोपी वाऊ बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं गोपी वाऊ के इस फैसले से सहमत हूं। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।